ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਐਮਪੀ ਸਾਰੇ ਐਮਪੀ ਸਾਰੇ ਐਮਪੀ ਰਾਤ ਕਿੱਥੇ ਕੱਟ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕੱਟਦੇ ਆ ਜਾਈਆਂ ਕੰਬਲ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ खेती कोई धंधा नहीं जिंदगी जीण का तरीका है कि मोदी जी लोगों का जिंदगी जीण का तरीका थोड़ा खो लेंगे उन्होंने लोगों ने बीजेपी वालों का पिंड च वड़ना बंद किया इलेक्शन तो कि ना कि आई रही है। गल करिए इतने साढ़े नाल जसवीर सिंह डिंपा मैंबर पार्लीमेंट वो मौजूद ने खडूर साहब हल्के तो और नाल कुलबीर सिंह जीरा इतने ने आओ उन्होंने गलबात करते हैं गुरफतेह की सांझ करते हैं जी वाहिगुरु जी का खालसा जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जसवीर सिंह डिंपा जी एम पिया वालों एम एल ए वालों जंतर मंत्र से धरना दे रहा पै रहा है की कहना चाहोगे? देखो जो साडिया बजुर्ग मावं साडिया दादिया साडे बाबे साडे पिता साडे भरा साडे बच्चे साडियां भैणां साडियां बच्चियां ठंड की परवाह ना करते हुए उस नीली छत दे थले कड़कदी ठंड दे विच जिहड़ा वो रातां काट रहे तो प्रदर्शन कर रहे ने साडा भी फर्ज बनता असीं उन्हां दी सपोर्ट करिए अज उन्हां दी सपोर्ट अपने किसान भरावां दी सपोर्ट किसी पार्टी का ना हो के किसान का पुत हो के असी इत्थे बैठे हाँ उसका विरोध कर रहे हैं। कदों तो बैठे जी असी कल तो साडा धरना शुरू होया ते असी एक किसानां दी जदों तक मसला हल नहीं हुंदा असी उन्हां दी सपोर्ट दे विच बैठे हो या होर भी एमपी सारे एमपी बैठे अज जिवें पंजाब दे विच जिन्ने भी हलके आ साडे सारे एमएलए साहबान आपो अपने हलके दे विच रोस प्रदर्शन कर रहे ने ते हौली हौली एम एल ए साहब भी आउणगे असी इत्थे क्योंकि जिहड़ी आ परमिशन करोना करके जिहड़ी आ घट मिलदी असी वारी सिर सारिआं नूं बुला के सारे जिहड़े आ उह स्वै इच्छा दे नाल इत्थे आउणा चाहुंदे आउणगे। इस तों पहले बैठ चुका इस तों पहले जिन्ने भी एम पी ने अपने पंजाब दे महाराणी परनीत कौर जी रवनीत बिट्टू जी गुरजीत औजला जी मनीष तिवाड़ी जी डॉक्टर अमर सिंह जी दुपिंदर हुड्डा जी के टी एस तुलसी जी ये सारे इथे जेडे आ चुके ने बिलकुल इथे कटदे आ रजाइयां कंबल यही साडा घर आ ते इथे ही असीं रहिणा। कदों तक चलेगा जिन्नी देर असीं किसानां दा जेड़ा वा साडे किसान भरावां नूं जिन्नी देर साडी लोड़ असीं उन्नी देर नाल खड़ा पर सरकार दा बिलकुल मूड च लग नहीं रही कि हुण तक कोई मीटिंगां दे विच कोई शिता निकल के आ नहीं रहा कि शायद रद्द हो सकदे आ ते फिर किन्ना टाइम तक देखो जदों लोकां दे हाड़े आ जाण जदों लोक घोल जिहड़े आ उह सुनामी बन जाण ते उहनां अगे सरकारां की तानाशाह की कोई नहीं टिक सकदा। इस सरकार नूं लोकां दे घोल दे अगे लोकां दे रोह अगे झुकणा पैणा। अज 70% लोक खेती दे नाल संबंधित ने खेती कोई धंधा नहीं जिंदगी जीण का तरीका है कि मोदी जी लोकां दा जिंदगी जीण का तरीका थोड़ा खो लेंगे उन्हां को। सो अज ये हालात आ कि आप महारे लोकां ने बीजेपी वालों का पिंड च वड़ना बंद किया इलेक्शन तो कि ना कि आई रही है पर जे इन्हां ने किसानां दीआं मंगां ना मन्नियां बीजेपी नूं इलेक्शन च खड़ा करन वास्ते कैंडीडेट नहीं लब्भणा। दसना चाहांगा चलो ठीक है किसान जिहड़े हैगे बैठे ने पंजाब हरियाणे दे बार्डर ते बैठे ने आम एक बंदा जे ते पहली ते जे ते सट वजदी है जिहड़े जे ता है ही गुजारा उहदे तों उह ता एक डट के बह जांदा पर एम पी एम एल ए ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਵੱਈਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉੱਠ ਜਾਵੋ? ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਰਵਨੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਦੇ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬੇਟੂ ਜੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ ਅਕਲ ਬਖਸ਼ੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਲੈ ਕੇ
एकजुटता का जोड़ा वा वो रवैया अपना इस दे उत्ते गलबात जी छेती तो छेती गलबात करके इस मसले का हल कढ़न। सरकार कह रही है कि भारत सरकार कह रही है कि सिर्फ कांग्रेस जी है उन्हें ही किसानों नूं पंजाब दे किसानों नूं मूहरे ला के गुमराह करता, कानून जिहड़े आ बहुत वधिया ने तकरीबन उहदे नाल बहुत फायदा किसानों नूं बल्कि अपग्रेड होणगे किसान, सिर्फ कांग्रेस अपनी राजनीति जिहड़ी अपनी गवा चुकी है पूरे भारत दे विच अपना आधार जिहड़ा खो बैठी है उहनूं वापस लियाण वास्ते किसानों नूं भड़का रही है, गुमराह कर रही है, गलत प्रचार कर रही है, जिहदे करके फायदे वाले कानून तो किसानों जिहड़ा हैगा साड़ दी बू आण लग पई है। सब तो पहला तो मैं दसना चाहुंदा कि इह मसले नूं पंजाब दे किसान दा मसला कहना बेईमानी ते गलत है। यह मसला भारत दे देश दे किसान दा भावें वह किसी भी स्टेट ना हो, भावें वह हिंदू सिख मुसलिम ईसाई कोई भी किसान हो, भावें वह किसी भी जात दे नाल संबंध रखता हो, स्वर्ण जात दा हो, पछड़ियां श्रेणियां जां दलित हो, एक किसान दा मसला ना कि पंजाब दा मसला। मैं तुहानूं एक गल दसनी चाहुंदा कि जे तुसीं वेखो देश दी आजादी दे विच 125 तो वध लोकां नूं जिहड़ी आ फांसी दी सज़ा होई, जिस दे विच 95 तो वध लोक पंजाबी सन, 1250 तो वध लोकां नूं उम्र कैद जिहनूं काला पाणी भी कह दिंदे ओह होई, जिहदे विच 950 तो वध पंजाबी सन। उदों पंजाब ने लीड कीता सी क्योंकि वह लड़ाई देश सारे दी सी, पर पंजाब ने लीड किया। अज भी देश सारे की लड़ाई पर लीड पंजाब कर रहा क्योंकि हर औखे समय से जो देशवासियों दे भीड़ पैंदी उन्हां दा अन्याय हुंदा ते उदों पंजाब जिहड़ा वो अगे लग के उन्हां दी लड़ाई लड़दा। कोई हल निकलदा नजर आ रहा? देखो मैनू आस है कि इहदा हल निकल आएगा। ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਚਰਚਾ ਹੀ ਮੁੱਕਣ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੜ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕੰਨ ਫੜ ਲੇ, ਸਿੱਧਾ ਫੜ ਲੇ, ਪੁੱਠਾ ਫੜ ਲੇ, ਕੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਛੱਡਣਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਝੂਠ ਦੀ ਨੀਤੀ ਛੱਡਣਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਵਰਗਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਛੱਡਣਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਛੱਡਣਗੇ, ਉਨੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੰਗਾ।